यूक्रेन ते रूस दे हमले तो बाद भारत च सब तो वड्डी परेशानी उन्हां स्टूडेंट्स लई है जिहड़ी अपनी पढ़ाई दे सिलसिले च यूक्रेन च रह रहे ने। उन्हां बच्चों दे पेरेंट्स बेहद परेशान है और बच्चे उत्थे फसे हुए हैं, वो निकलना चाहते हैं और भारत सरकार ते हमेशा ये दबाव रहिंदा है कि जिन्नी जल्दी हो सके वो उत्थे युद्ध च फसे अपने स्टूडेंट्स नूं बाहर कढे। लेकिन इस सिस्टम नूं बंदे बंदे एक टाइम लगता है और इस टाइम के कारण बच्चों के पेरेंट्स की परेशानी बढ़ी है और बच्चे यूक्रेन च परेशान है। कोई अपने घर च फसया होया है, कोई स्कूल की बिल्डिंग च फसया होया है और इंतजार कर रहा है कि कदों भारत सरकार का इंतजाम बहाल होएगा और वो रूस के बंबा वाली उस धरती तो बाहर निकल पाएगा। मुकदी गल च अज असी उन्हां बच्चों नाल गल करांगे जिहड़े बच्चे यूक्रेन च फसे हुए ने, उन्हां दा दुख दर्द जानने की कोशिश करांगे और ये उम्मीद करांगे कि भारत सरकार इन्हां डरे सहमे बच्चों नूं वॉर जोन चों कढ़न लई जल्दी इंतजाम करे। तुहानूं सीधा यूक्रेन दे उन्हां माड़े हालातों नूं रोज़ झेल रहे इन्हां बच्चों नाल मिलवाने हैं, उन्हां दी गल सुनवाने हैं, उन्हां दी परेशानी दस्सदे हैं। हिमांशु, कैसे हैं आप? और पहले सबसे ये बताइए कि कौन सी जगह पर हैं यूक्रेन में आप और क्या दिक्कत आपको आ रही है? सर, हम लोग इस समय टर्नोपिल में हैं यूक्रेन में, और यहाँ पे सर प्रॉब्लम ये है कि हमें यहाँ से इवैक्यूएट करवाने के लिए अभी कुछ भी प्रोग्राम नहीं हो रहा है। एम्बेसी की तरफ से भी हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। जब भी हम कॉल करते हैं तो या तो कॉल उठाया नहीं जाता है या तो फिर काट दिया जाता है। हमें सिर्फ एडवाइजरी दी जाती है कि आप यहाँ ये करिए फिर वो करिए, लेकिन कोई भी हमें एकदम एग्जैक्ट वो नहीं दिया जा रहा है। एडवाइजरी कैसे आप तक आती है? सर, एडवाइजरी आती है फेसबुक पेज पे आती है इंडियन एम्बेसी के। तो आप उस पे अपनी शिकायत आप उसी पे लिखिए कि आप कैसा, आपको क्या दिक्कत आ रही है, आप उसी पेज पे लिख सकते हैं। तो उसका रिप्लाई आता है नहीं आता है? सर, उस पे कोई रिप्लाई नहीं आता। हमने बहुत ट्राई किया, हमने उनको ईमेल भी किया है, मैसेज भी किया है, कॉल भी करते हैं, पर कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है किसी भी चीज का। आप कितने स्टूडेंट यहाँ पर हैं भारतीय? सर, टर्नोपिल के अंदर 2000 के लगभग स्टूडेंट्स हैं। किस सिलसिले में पढ़ाई करने आप ज्यादातर वहां पर गए हैं? सर, हम लोग यहाँ पे मेडिसिन एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए आए हुए हैं। तो देश के कौन कौन से हिस्सों के ज्यादा लोग हैं भारत के वहां पर? सर, यहाँ पे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार, यहाँ के बहुत सारे बच्चे हैं। आपको अभी वहां मध्य प्रदेश क्या दिक्कत हो रही है? क्या वहां पर भी हवाई हमले हुए हैं या आपको ये लग रहा है कि हवाई हमले हो सकते हैं? आपकी परेशानी का कारण क्या है वहाँ? एक तो युद्ध चल रहा है, लेकिन आपके इलाके में क्या हालात हैं? इस इलाके में ऐसा है कि रोज रात को सायरन बजते हैं, जिसकी वजह से हमें रात भर में सुनने मिलता है। हम जो है डर के हमारे बंकर्स में जाके छिप जाते हैं। हमें पूरी रात से सिर्फ बंकर्स में गुजारनी पड़ती है, जहाँ पे कोई लाइट नहीं, कोई भी फैसिलिटी नहीं है और यहाँ पे कोई भी हमारी हेल्प नहीं कर रहा है। रात होते हमें बंकर में छुपना होता है, दिन में हमें वापस आना होता है और खाने की भी बहुत दिक्कत है। सिटी में फूड स्टॉक खत्म हो रहा है, कुछ भी सामान नहीं मिल रहा है यहाँ पे और ट्रांसपोर्ट बंद हो चुके हैं। तो आप लोगों को खाने पीने का सामान कहाँ से आ रहा है? अभी आपने खुद स्टोर कर रखा है या कुछ लोग जाकर ले? जिस दिन ये न्यूज आई थी कि ऐसा वॉर हो सकता है, उस दिन हमने स्टोर कर रखा था, वो हमारे पास थोड़ा बहुत बचा हुआ है अभी जो हम खा रहे हैं अभी। आपको क्या लगता है कि आप और कितने दिन तक इस तरह से वहां सरवाइव कर सकते हैं और आपको कितने दिन के अंदर वहां पर ट्रांसपोर्ट निकलने के लिए चाहिए होगा? सर, सरवाइव ऐसा है कि अगर देखे तो खाना हमारा 4 से 5 दिन के बाद नहीं चलेगा, उसके बाद हम जो है नहीं पता। और कभी भी एयर स्ट्राइक हो सकती है, रोज अलार्म बजते हैं, रोज हमें नोटिस आता है कि आज एयर स्ट्राइक होने वाली है। जो बंकर्स वगैरह हैं ये क्या गवर्नमेंट की तरफ से पहले से प्रोवाइड करवाए गए हैं या अभी टेम्परेरी बनाए गए हैं? नहीं सर, ये यहाँ पे ऐसा है कि बिल्डिंग्स के बेसमेंट ही इन्होंने बंकर बना रखे हैं। इनकेस अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको बिल्डिंग के बेसमेंट में जाके छिपना होता है। और जो लोकल लोग हैं, यहाँ की आबादी कितनी है जिस इलाके में आप रहते हैं? सर, लोकल लोग यहाँ पे जितने भी हैं उसमें से 80% लोग यहाँ से अपने पर्सनल ट्रांसपोर्ट से पोलैंड या हंगरी, रोमानिया कहीं ना कहीं भाग चुके हैं। लोकल लोग यहाँ पे नहीं बचे, सिर्फ 10 से 20% बचे हुए। तो आप क्या चाहते हैं कि आपको पोलैंड या रोमानिया के बॉर्डर तक पहुंचाने के लिए आपको ट्रांसपोर्ट तुरंत मुहैया करवाई जाए या यहां से निकाला जाए? क्या बेस्ट पॉसिबल हो सकता है? सर, पोलैंड या रोमानिया या हंगरी के बॉर्डर के ऊपर जाने के लिए हमें बोला जाता है कि आप खुद ब खुद वहां पहुंच जाइए। अगर हम वहां पहुंचते भी हैं तो सबसे पहले वहां पे जाने के बाद इंडियन एम्बेसी हमारे कॉल नहीं उठाती, हमारे को एंट्री नहीं देती है। अगर हम उनको कह दें कि चलो वो एंट्री भी दे दे तो हमें यहाँ से वहां तक जाने के लिए बीच में बहुत से रास्ते ऐसे हैं जहाँ पे कुछ हमारे दोस्त हैं जिनके आंखों के आगे से मिसाइल निकल कर गई है,
तो बहुत ही अनसेफ है, हमारे को सेफ्टी चाहिए यहाँ से जाने के लिए, हमें प्रोवाइड कराई जाए सेफ्टी की हम वहाँ बिल्कुल पहुंचे जाए, कोई हमारे लिए स्पेशल कॉरिडोर बनाया जाए सरकार के द्वारा बात करके, वो बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा है। और प्लस साथ में यहाँ पे पानी खाने की जो किल्लत है उसको भी देखा नहीं जा रहा, वो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। और रात को जब सायरन बजते हैं, रात को ये बोल दिया जाता है अपने घर की सभी लाइटें बंद कर दिए, कैमोफ्लाज बना दिया जाता है यहाँ पर बिल्कुल लाइटें बंद करके, और अंधेरे में हमारे को रहना पड़ता है, और हम जैकेट और अपने सामान को पैक करके अपने सीने के साथ लगा के रखते हैं कि हमें जैसी सायरन बजेगा हमें भागना पड़ेगा बंकर के अंदर छुपने के लिए। आपके यहाँ से रोमानिया बॉर्डर और पोलैंड बॉर्डर कितना दूर है, कितने घंटे की ड्राइव है? सर हमारे यहाँ से रोमानिया बॉर्डर 350 से 400 किलोमीटर के लगभग है, पोलैंड बॉर्डर हमारे से 250 किलोमीटर लगभग है, और सर हंगरी बॉर्डर हमारे से 600 किलोमीटर के लगभग है, प्लस इसके अलावा कंफर्म नहीं मतलब कि एक आइडिया है हमें। और जो पोलैंड बॉर्डर है उसके ऊपर इस टाइम पे 1800 से 2000 बच्चे खड़े हैं, और 35 किलोमीटर की वहां पे लंबी लाइन है, और वहां से अगर हम वहां पहुंच भी जाते हैं तो हमें श्योरिटी नहीं है कि हमें एंट्री मिलेगी, क्योंकि वहां से इंडियन एम्बेसी हमें वापस भेज रही है, और इंडियन एम्बेसी कभी कहती है कि आप आ जाइए, कभी कहती है कि आप चले गए यहाँ से, वहां पे अगर एक बार हम पहुंच जाते तो हमारे को वापस आने का कोई साधन भी नहीं है। आपने एम्बेसी को कहा, अपनी लोकेशन दी है आपने, और एम्बेसी का कोई जवाब आया कि आपको वहां से बॉर्डर तक आने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा दी जाए? सर हमारे दोस्त लोगों ने वहां पे इंटरनेट वगैरह मुहैया कराने के लिए, कॉल करने के लिए भी कुछ नहीं है उस बॉर्डर के ऊपर जो हम कॉल कर, क्योंकि वो एक बॉर्डर है तो वहां पे इंटरनेट की सुविधा नहीं प्राप्त होती है, ना कॉलिंग की सुविधा प्राप्त हो पाती इतनी अच्छे तरीके। पर यहाँ पे ऐसा न्यूज आया कभी भी इंटरनेट कनेक्शन, गैस कनेक्शन और बिजली कनेक्शन कभी भी काट दिया जा सकता है, और हमें ये तक भी बोल दिया गया कि आप पानी का 20 से 25 लीटर का स्टॉक बना के रखिए कि आपको 1 या 2 दिन पानी ना मिले गवर्नमेंट के द्वारा। तो आपके यहाँ भी उस तरह के हालात बने हुए हैं, बॉम्ब वगैरह गिर रहे हैं यहाँ भी, फायरिंग वगैरह की आवाज सुनते हैं आप या अभी नहीं? सर यहाँ पे टर्नोपिल का जो एक छोटा सा एयरबेस है वहां पे थोड़ी बहुत आवाजें सुनने को मिली है, और यहाँ से जस्ट बगल में ही एक सिटी है वहां पे अभी कल ही ब्लास्ट हुआ है रिटेली। आपको एम्बेसी, क्या कोई कॉन्सुलेट आपके नजदीक में भी है या सिर्फ कीव की एम्बेसी ही डील कर रही है आपको? नहीं सर यहाँ तो कोई एम्बेसी, सिर्फ कीव में है। आपके साथ कुछ लड़कियां भी मैं देख रहा हूँ पीछे खड़ी हैं, आपकी अपने अपने परिवार वालों से बात हुई है? आप हमारे माध्यम से कोई मैसेज देना चाहते हैं तो भी आप बता सकते हैं, कहाँ कहाँ की रहने वाली हैं बच्चियां जरा बताएं, और आपके पेरेंट्स को अगर कुछ कहना चाहती हैं तो वो भी बोले। सर मेरा नाम रंजना कुशवाहा है, मैं जबलपुर से हूँ, और आज सुबह ही मेरे पापा से बात हुई थी तो उन्होंने बोला जो एम्बेसी एडवाइजरी दे आपको आप वही फॉलो करें, आप खुद से डिसीजन ना लें, क्योंकि आप जाके कहीं पे भी आप फंस सकते हैं, क्योंकि मेरे बहुत सारे क्या बोलते हैं फ्रेंड्स हैं वो जाके पोलैंड बॉर्डर पे फंस चुके हैं, वो 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर वो पैदल जा रहे हैं, अभी भी उनको कुछ नहीं पता कि वो वहां से जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, उनको वापस आने की भी कोई सुविधा नहीं है। और कल कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं वो उन्होंने टैक्सी की थी, उनको जंगल में छोड़ के टैक्सी वाला चला गया, अब वो क्या करे वो समझ नहीं पा रहे थे। सर उन्होंने हमें कॉल किया कि हम क्या करें, हम यहाँ पे फंस चुके हैं, तो इसलिए हम लोग कभी कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहते जिसमें हम लोग जाके फंस जाए, क्योंकि हमारे कई दोस्त बोल रहे हैं कि हम यहाँ से मिसाइलें जा रही हैं, हमें डर लग रहा है, कई हमारे दोस्त है खाकी में, लबीब में, सुमी में, तो हमसे उनसे कॉन्टेक्ट कर रहे हैं तो वो बोल रहे हैं यहाँ पे तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है, आप जहाँ हैं वहीं रहो अभी इस टाइम पे। तो अगर आप बाहर निकलते हैं तो आपको यहाँ लोकल यूक्रेन की फोर्सेस वगैरह मना करती हैं कि अंदर रहो, कोई दिखता है कि बाहर सुरक्षा के लिए लगा हुआ है या नहीं दिखता है? कोई नहीं सर, अभी तो यहाँ पे कोई भी नहीं है सर, यहाँ पे आधे से ज्यादा लोग तो पोलैंड बॉर्डर हंगरी रोमानिया चले गए, इसके कारण ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, यहाँ से निकलो 10 किलोमीटर के रेंज में ही इतना ट्रैफिक है कि आप जा ही नहीं सकते हो। कल कुछ मेरे फ्रेंड गए हुए हैं और वो फंसे हुए हैं, माइनस में टेम्परेचर है सर, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, ना खाने को चीजें हैं, ना वॉशरूम है, ना होटल से कि वो खुद से कहीं रुक जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि इंडियन एम्बेसी हमारी कोई भी हेल्प करे, जब वो हमारे लिए सुविधा प्रोवाइड करेगी तभी हम यहाँ से निकले तो हमारे लिए सेफ होगा। आपको अगर मान लीजिए कि कोई आपके दोस्त वगैरह ऐसा बताते हैं कि अगर वो पोलैंड या बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं तो आम लोगों को वहां पर जो चाहे रशियन फोर्सेस हैं या कोई लोकल फोर्सेस हैं वो तंग करती हैं, रोकती हैं उनका रास्ता या नहीं रोकते हैं? हाँ जी सर, वहाँ की फोर्सेस रोकती हैं, कई तो नकली पुलिस वाले बनकर आपसे पासपोर्ट मांगते हैं, आपका पासपोर्ट पकड़ लेंगे, उसके बोलेंगे इतने पैसे दो नहीं तो हम आपको जाने नहीं देंगे, पासपोर्ट फाड़ देते हैं, काफी कुछ चल रहा है सर। ये सुनने में आया है या ऐसा किसी आपके साथ साथी के साथ ऐसा हुआ है? सर हुआ है, किसी साथी के साथ हुआ है हमारे।
और कोई ऐसी बात जो आप अपने परिवार को, भारत सरकार को हमारे माध्यम से कहना चाहते हो? सर, हम यही कहना चाहते हैं कि अगर हम कॉल उठाते हैं, कॉल लगाते हैं उनको, तो प्लीज हमारे कॉल का जवाब दें, क्योंकि हम जब कॉल करते हैं तो कॉल लगता नहीं है। कॉल लगता है तो वो बोलते हैं कि अभी वेट करिए, हमारी कुछ चीजें हैं जो हम कर लें, उसके बाद हम आप लोगों को कुछ चीज प्रोवाइड करेंगे। क्या वहाँ पर जो ये पासपोर्ट फाड़ने की घटनाओं का जिक्र आप कर रहे हैं, ये आमतौर पे हो रही है या किसी ने एक दो आइसोलेटेड केस है कि ऐसे फॉरनर्स के साथ वहाँ पर फोर्स? एक दो ही आइसोलेटेड केस है, कोई खास लगातार नहीं हो रहा है। ये नकली पुलिस वाले जो है या नकली फोर्सेस के जो भैरूपी है वो कर रहे हैं। वैसे हाईवे वगैरह पर तो आने जाने के वाहनों पे पाबंदी नहीं है, आने जाने दे रही है फोर्सेस जो वाहन पोलैंड की तरफ या हंगरी बॉर्डर पे जा रहे हैं? काफी ज्यादा चेकिंग है और टैंकर्स गुजर रहे हैं उन्हीं रोडों से जिन रोडों से हमें निकलना है। हमें हाँ कि यहाँ की जो फोर्सेज है वो कुछ कह नहीं रही है, लेकिन हाँ जो नकली भैरूपी है वो ये सब काम कर रहे हैं और नकली भैरूपी हमारे को काफी ज्यादा तंग भी कर रहे हैं। सर, इवन यहाँ पे बैंक में भी क्राइसिस है, पैसे नहीं निकल रहे हैं यहाँ पे, और इस वजह से भी लूटपाट का भी चांस हो सकता है अगर हम निकलते हैं यहाँ पे, क्योंकि बैंक में पैसे कल हम लोग ने गए थे, लाइन लगाया था पूरा, बहुत सारी लाइनें लगी थी, तो हम इतने सारे बैंक्स में घूमे कि हमें कुछ पैसे हम निकाल लें इवन हमें जरूरत पड़ जाए, बट बैंक में बहुत ज्यादा क्राइसिस है, पैसे नहीं मिल रहे हैं, लोग पैसे बैंक में जाओ तो बोलते हैं कैश नहीं है, कैश नहीं है, तो ऐसा भी हो रहा है सर। तो सर इसीलिए यहाँ पे लूटपाट के भी चांसेस हो सकते हैं, इस वजह से भी हम लोग खुद से नहीं निकल सकते हैं यहाँ से। पोलैंड बॉर्डर पर जो बता रहे हैं, पोलैंड बॉर्डर पर क्या हाल है, जो आपके साथ के स्टूडेंट वहाँ पहुंचे हैं वो क्या बता रहे हैं वहाँ के बारे में? सर, पोलैंड बॉर्डर पे जो हमारे दोस्त पहुंचे हैं वो एक दिन से पोलैंड बॉर्डर के से 25 से 30 किलोमीटर दूर माइनस के टेम्परेचर में बाहर सड़कों पे सिर्फ खड़े हुए हैं। उनको कोई शेल्टर नहीं है, कोई खाना नहीं, कोई पानी नहीं, वो सिर्फ बाहर रोड पे खड़े हुए हैं और उनको एंट्री भी नहीं मिल रही पोलैंड में। वो हमें कॉल कर रहे हैं किसी तरह हमें यहाँ से निकालो, पर अब हम उनको वहां से कैसे, हम क्या कर सकते हैं उनके लिए? अभी पोलैंड इसलिए नहीं एंटर करने दे रहा है कि वहाँ इंडिया की तरफ से कोई अरेंजमेंट नहीं है, या वीजा ना होने की वजह से दिक्कत आ रही है, या भीड़ ज्यादा इसलिए दिक्कत आ रही है? सर, इंडिया की तरफ से भी अरेंजमेंट नहीं है, इंडिया ने भी कोई खास अरेंजमेंट अभी तक नहीं किए हैं। इंडिया कह रही है कि हम अभी ब्लू प्रिंट बना रहे हैं, काफी न्यूज चैनलों में हमने देखा ब्लू प्रिंट बना रहे हैं, हम ऐसे इवैक्यूएट करेंगे, अभी तक हमारे को उसका 0.01% भी दिखा है। कुछ भी, कोई हालात ही नहीं है यहाँ पे जो इवैक्यूएशन के होते हैं कि होना चाहिए। मान लीजिए 2-3 दिन बाद आपको जरूरत पड़े तो कोई इक्का दुक्का दुकानें हैं जहाँ पर आपको थोड़ा? दुकानें काफी हद तक खुली हैं, दिन में खुलती हैं कुछ घंटों के लिए, हमें खाना जो मिलता है हम ले लेते हैं। अगर हमें तेल चाहिए इस खाना पकाने के लिए तो हमें तेल 10 दुकानों में से ढूंढ कर लाना पड़ता है, हमें तेल वगैरह नहीं मिल पाता है। ये कीव से कितना दूर पड़ता है टर्नोवेल? सर, ये 500 किलोमीटर दूर है कीव से। सर, हम आपको कुछ दिखाना चाहेंगे प्रेजेंटली इस टाइम पे, ये पोलैंड के ऊपर, पोलैंड के बॉर्डर के ऊपर ये भीड़ जमा है वहां पर, हमारे कुछ दोस्तों ने लाइव वीडियो कॉल लाइव करा था। हम वहां तो अभी तुरंत नहीं पहुंच सकते, लेकिन आपको किसी भी वक्त जब भी जरूरत लगे आप हमें फोन कीजिएगा, हम आपका फोन उठाएंगे और जो भी पॉसिबल मदद होगी आपकी यहां से बैठे बैठे जो हम कर सकते हुए हम करेंगे। अगर आपको कोई भी क्राइसिस आगे भी आता है तो आप मेरा नंबर रखें और मुझसे किसी भी पर संपर्क करें। सर, मेरा नाम आबिद है, मैं उत्तराखंड ऋषिकेश से हूं, और सर मेरे 2 पॉइंट्स है इसके रिगार्डिंग सारी सिचुएशंस के, कि यदि या तो इंडियन एम्बेसी हमें अश्योर करे कि हम वहां के लिए निकले, पोलैंड बॉर्डर या कहीं किसी भी बॉर्डर के लिए अगर हम निकले तो वहां, अगर हम वहां पहुंचेंगे तो हमें फ्लाइट वगैरह मिल सके वहां से तो हम निकले, क्योंकि रास्ता है जो बहुत डेंजरस है भी, क्योंकि किसी भी टाइम कहीं पे अटैक हो सकता है तो उसमें हम फंस सकते हैं, तो उससे बेटर तो ये हम अपने फ्लैट में रहें। तो बस मैं ये चाहता हूँ इंडियन गवर्नमेंट से कि एम्बेसी कुछ ना कुछ ऐसा करे कि हमें एश्योर करे कि अगर तुम यहाँ किसी तरीके से आ भी गए तो यहाँ से हम फर्दर तुम्हें इंडिया पहुंचा देंगे। हम ये नहीं चाहते कि वहां पे हम फंस के रह जाए कि 4-5 दिन तक हम रोड पे खड़े हैं बिना फूड के, हर चीज दिक्कत ही है वहां पे। मतलब आप बिल्कुल चिंता ना करें, मुश्किल वक्त है, लेकिन आपको मैं ये भरोसा देता हूं कि आप अभी मत निकलिएगा जब तक आगे अरेंजमेंट नहीं होता है, या जब तक एडवाइजरी के मुताबिक आपको निकलने के लिए नहीं कहा जाता है, क्योंकि ऐसा ना हो कि एडवाइजरी के कि यहां से आप एडवाइजरी के मुताबिक निकल जाए दिया गया है निकलने के लिए। कुछ एडवाइजरी में कभी कहते हैं निकल जाइए, कभी कहते हैं मत निकलिए। अगर हम एडवाइजरी देखें तो उसमें लिखा हुआ कि अगर आप पहुंच सकते हैं नियर बाय अपने बॉर्डर के पास तो पहुंचिए, और अगर हम कहें कि उन एम्बेसी में कॉल करते हैं तो एम्बेसी वाले बोलते हैं कि नहीं आप मत निकलिए, वहीं रहिए, आप जाइए मत। और जो जिनको इन्होंने कईयों को बोलते हैं कि आप चले जाइए वहां पर, तो हमें समझ नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है, किसी को बोल रहे जाइए, किसी को बोल रहे मत जाइए, एडवाइजरी में बोल रहे जाइए, किसी को बोल रहे कुछ। एक तो हमारा नंबर रखिएगा, और ये मेरा नंबर जिस पे आपने संपर्क किया था ये दिन रात चलता है, पहली बात।
दूसरी बात मैं यही कहूंगा कि आपके खाने पीने रुकने का अगर अभी व्यवस्था है जहां पे आप रुके हुए हैं, तो आप बिना आगे के अरेंजमेंट या बॉर्डर खुलने की वेट किए बिना यहां से मत निकलिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप सिर की छत छोड़ दें और फिर अगली छत मिल भी ना पाए। पहली बात मेरी है, अगर बहुत क्राइसिस हो जाएगा तो आप मुझे संपर्क कीजिएगा फोन पे, हम आपकी बात यहाँ भारतीय दूतावास दिल्ली तक पहुंचाएंगे और वहां से जो भी रास्ता हल करने के लिए जो भी बताया जाएगा उस हिसाब से करेंगे। अभी आप जो आपका ठिकाना है उसे मत छोड़िएगा, ये मेरी सलाह है आपको, ठीक है। सो आप एक तो निश्चिंत रहे, अपने परिवार को बोल दें, और दूसरा हम जो भी मदद आपकी कर पाएंगे वो हर टाइम करेंगे, ठीक है सर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इतनी भागदौड़ी मची हुई है ना हर जगह पे, हर जो भी सिटी है वहां से सब बच्चे या तो पोलैंड बॉर्डर भाग रहे हैं या हंगरी की तरफ भाग रहे हैं या रोमानिया की तरफ भाग रहे हैं। लेकिन सर वहां पहुंच जा रहे हैं, पर वहां पे पहुंचने के बाद अभी तक कोई भी फ्लाइट नहीं आई है सर। मैं यही दिक्कत ये है, सिर्फ हमारे जैसे लोग हैं, मुश्किल से 10% लोग हैं जो अभी भी टर्नोपिल में या बाकी सिटीज में बच्चे रुके हुए हैं, बाकी सब लोग बॉर्डर की तरफ भाग गए। तो सर कहीं हम वेट करते करते यहाँ फंस के ना रह जाए सर। नहीं नहीं नहीं, हम बस ये चाहते हैं इंडिया से, पीएम मोदी से, हमारी सरकार से कि हमारे को भूले ना। कोई नहीं भूलता आपको, बिल्कुल नहीं भूलता, हम बात कर रहे हैं ना आपसे, हम हर टाइम आपके लिए उपलब्ध हैं। मुश्किल घड़ी है, मैंने पहले ही कहा, आप सिर्फ एक बात याद रखिएगा, आप ये मत देखिएगा कि सब लोग जा रहे हैं तो हम भी वहां चले जाते हैं। आप खुद समझिए कि जब एक बार सिस्टम बन गया, जब पोलैंड पे इंफ्रास्ट्रक्चर भारत का पहुंच गया, उसके बाद ऐसा नहीं होगा कि जो वहां मौजूद है उनको ले आएंगे और बाकियों को नहीं निकालेंगे। जब ये सिस्टम बन गया तो हर भारतीय को वहां से निकाला जाएगा। आप ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ, पोलैंड बॉर्डर पे भारतीय सिस्टम नहीं बनाया, कुछ स्टूडेंट्स हैं एसओएस टीम इंडिया के जो वहाँ पे बच्चों को शेल्टर, फूड और बाकी बेसिक चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। सर वहाँ पे अभी तक भारतीय एम्बेसी के या कोई भी, ना तो कोई प्लेन आया है सर, ना किसी बच्चे को वहाँ से निकाला गया है। हम जानते हैं वहाँ पे टीम है, जो स्टूडेंट्स है वो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं सर, और कोई हमें हेल्प नहीं मिली अभी तक वहाँ पे। मैं वही बात बोल रहा हूँ कि एक बार जब सिस्टम बन जाएगा ना, वहाँ भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंच जाएगा, तो उसके बाद आप अगर यहाँ से वो कॉल भी देंगे तो आप वहाँ चले जाइएगा, लेकिन जब तक वहां से इवैक्यूएशन शुरू नहीं होता है तब तक आप इस अपने सुरक्षित अड्डे को ना छोड़ें। आप ये मत सोचिएगा कि जो लोग वहां पर रह रहे हैं वो जल्दी निकल जाएंगे, हम भी वहां चल पड़ते हैं। हो सकता है कि आपको भी परेशानी झेलनी पड़े, लेकिन अगर वहां पर गाड़ियां इवैक्यूएशन के लिए पहुंच जाती हैं और पोलैंड की तरफ आपको ले आया जाता है, तब आप यहां से निकलने का अपना इंतजाम कीजिएगा। अभी एकदम छटपटाहट में मत निकलिएगा, ठीक है। और अगर कोई बहुत बड़ा यहाँ क्राइसिस हो जाता है, आपको लगता है या क्राइसिस हो सकता है, आप हमें संपर्क कीजिएगा, हम जहां जहां तक आपकी बात होगी हम पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, धन्यवाद सर। ठीक है, हिम्मत रखिएगा, ठीक है। मुश्किल वक्त है, ये निकल जाता है, थोड़ा सा संयम रखिएगा, घबराना नहीं, हम सब आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच सर। ये बताइए आप कहां से हैं इस वक्त, यूक्रेन में कौन सी जगह पर आप फंसे हुए हैं और आपको क्या दिक्कतें आ रही हैं वहां पे, किस चीज की पढ़ाई करने के लिए आप गए थे? जी सर, मेरा नाम नौशाद है, मैं हरियाणा से हूँ सर। अभी हम लोग यूक्रेन की जो कैपिटल है यूक्रेन का वहां पे है, और जो एम्बेसी के साइड में जो स्कूल है हम लोग वहाँ पे है, तो जो न्यूज चारों तरफ फैली हुई थी स्टूडेंट हम उन्हीं में से हैं सर। मेरा नाम नौशाद सुलेमान है, हम लोग यहाँ पे बेसिकली मेडिसिन की स्टडी जो इंडिया में जिसको एमबीबीएस बोलते हैं वो करने के लिए यहाँ पे आए हुए थे सर। नौशाद, हरियाणा में कहाँ के हो आप, और आपके साथ जो बाकी लोग हैं ये कौन कौन सी जगहों के हैं, जरा जल्दी से बता सकते हैं आप? जी सर, जी सर, मैं हरियाणा में सर सतना जो हमारा सिटी है सर, और सर डिस्ट्रिक्ट रोहतक है सर, और ये मुंबई से है सर। अभी आप वहां पर, जाहिर सी बात है कि आप डरे हुए हैं, आप घबराए हुए हैं, युद्ध चल रहा है, कोई भी इंसान है वो घबरा जाता है। अभी आप क्या महसूस वहां पर कर रहे हैं कि बम्बारमेंट से आप सेफ हैं नहीं हैं? जो अभी मैं तस्वीरें थोड़ी देर पहले देख रहा था कि कीव में बहुत जबरदस्त हवाई हमले हुए हैं, वहां से सुरक्षित हैं आप जहां पे इस वक्त बैठे हुए हैं? सर हम लोगों को नहीं पता है सर, हम लोग सेफ है कि नहीं, बट एम्बेसडर सर जब भी आते हैं बोलते हैं कि आप लोग सेफ हो, लेकिन सर यहाँ पे इतनी ज्यादा बम ब्लास्टिंग आवाज आती है सर, सब डरे हुए हैं, रात में बच्चे रो भी रहे थे इवन सर, हम लोगों को नहीं पता क्या होने वाला हम लोग इधर सर, हमें एवैक्यूएट कीजिए सर, हम लोग बहुत परेशान है यहाँ पे सर, 3 दिन हो गया यहाँ पे, ना ही कोई सर फूड के रिसोर्स है सर,
ना ही सर पानी है सर, बच्चे टैप वाला पानी पी रहे हैं सर। तो यहाँ जहाँ आपको रखा गया है नौशादी, कौन सी जगह है? क्या ये कोई किसी जगह की बेसमेंट है? कहाँ लाके रखा गया है? और जो एम्बेसी वाले आते हैं वो कब आते हैं आपके पास? जी सर, अभी तो सर एम्बेसडर सर नहीं आए थे, लेकिन उनके कोई भी सर टीम आई थी सर, उन्होंने नोटिफिकेशन या जो भी था बताया यही कि आप लोग यहाँ से निकल जाइए। बेसिकली हम लोग सर स्कूल में है, एम्बेसी के जस्ट बराबर में एक स्कूल है, हम लोग वहाँ पे है। और यहाँ पे हम लोग सर फर्स्ट फ्लोर पे, सेकेंड फ्लोर पे कॉरिडोर में बच्चे बैठे हुए हैं। एंड सर मतलब काफी तादाद है बच्चों की, 400 से ज्यादा बच्चे हैं सर, और सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है सर, और सुविधाएं बिल्कुल नहीं हो पा रही हैं बच्चों को, ना ही सोने में, हम सब नीचे सो रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। और सर बमबारियां होती है रात को जब साइलेंस होने के बाद, सर नहीं सो पा रहे हैं 3 दिन से। आपको किसने कहा कि यहां से निकल जाइए? सर हम लोगों को अभी मॉर्निंग में बोला गया कि अगर आप लोग अपने आप से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी रिस्क पे अगर यहाँ से जा सकते हो बॉर्डर की तरफ वेस्टर्न साइड पे, तो आप जाइए। सर एक बात बताइए सर, अगर हमें जाना ही होता तो अभी तक हम लोग चले जाते, हम लोग किस बिहाफ पे अगर एम्बेसी के साइड में बैठते हुए अपने आप को सेफ फील करने के लिए ना, और अगर एम्बेसी भी अगर हम लोग नहीं पहुंचा पा रही तो हमें कौन पहुंचा पाएगा सर इतनी दूर तक? राष्ट्र खत्ते में सर सिविलियंस के पास गन है सर, लूटापाटी हो रही है, ड्रेस चेंज करके पुलिस मतलब जो भी है सर वहां पे घूम रहे हैं, हम लोग क्या पता सर कौन ऑफिसर कौन पासपोर्ट ले लिया हम लोगों का, नहीं दे रहे। यहाँ पे बच्चों के कुछ पासपोर्ट भी इवन गुम हो चुके सर, एक बच्चे का तो पासपोर्ट नहीं मिल रहा, वो कैसे ट्रेवल करेगा सर? अगर हम लोग सेफ ही नहीं है तो हम कैसे बाहर जाएं सर? 2 किलोमीटर पर छोड़ के सर बमबारी हो रही है, अगर किसी भी तरह की हालत हो जाएगी और इतने बच्चे साथ निकले कैसे प्रबंध हो? ना टैक्सी बुक हो रही है सर, ना कार, कुछ भी नहीं जा सर यहाँ से। अगर एम्बेसी वाले हमारे लिए इतना भी नहीं करेंगे तो हम लोग क्या कर पाएंगे सर? हम इधर से निकल ही नहीं पाएंगे, फूड क्राइसिस है सर, बाहर फूड नहीं मिल रहा है, दुकानें जो वहाँ पे शॉर्टेज हो रही है, वाटर की शॉर्टेज है सर, हम लोग क्या करें सर? कितने बच्चे हो आप लोग अभी स्कूल में भारत के? सर अराउंड 400 बच्चे हैं सर हम लोग। कितने दिन से? 3 दिन से यहाँ पे हैं आप? जी सर, आज जिस दिन हमारी फ्लाइट कैंसिल हुई उस दिन के बाद से हम लोग इधर आ गए, क्योंकि सर वहाँ पे सारी सुविधाएं बंद हो गई ट्रांसपोर्ट की, तो हमें नोटिफिकेशन मिला कि एटलीस्ट आप कुछ देर के लिए एम्बेसी के पास आ जाओ। हम लोग जब यहाँ पे आए तो हमें यहाँ पे स्कूल में रखा गया, उस दिन के बाद से सर सुविधाएं कुछ चालू नहीं हुई है जो हम लोग वापिस जा सके सर यहाँ से। एम्बेसी से कोई आता है वैसे मिलने में? 24 घंटे में बंदे को सर? नहीं सर, दिन में सिर्फ 2 बार आते हैं, और आकर के बस यही बोलते हैं कि हम आप कर लेंगे, आप थोड़ा सब्र रखो, आप थोड़ा पेशेंस रखो, आप डॉक्टर बनने वाले हो, बस हमें सर मोटिवेट करते हो चले आते हैं सर। सर कुछ भी अभी तक सर इवैक्यूएशन का नहीं हुआ। खाने पीने का कैसे कर रहे हो आप यहाँ पर? खुद से बाहर से खरीद के लाते हो खाने पीने का? यहाँ पीना सर जी सर, सर सर उसका टाइमिंग होता है सर, जैसे कि सर 9 से 12 और 4 से 5 ऐसे सर 2-3 घंटे का टाइमिंग होता है। हम जाते हैं सर वहाँ पे, पानी लाते हैं, जूस लाते हैं, बिस्किट केक जो भी सर हमें मिलता है हम लेके आते हैं सर, खा रहे हैं और वैसे सर रह रहे हैं। और सर आप उस चीज की भी शॉर्टेज हो गई, कल मैं गया सर मार्केट में जो चीजें थी उनमें भी अब शॉर्टेज होती जा रही है, दुकान बंद हो गई सारी। कल तक खाना दिया है सर, आज उन्होंने कह दिया कि खाना नहीं मिलेगा, आप खुद से बाहर जाइए। एक बात बताइए सर, बाहर बमबारी हो रही है, कैसे बच्चा जाए बाहर जाके? अगर ऐसा सेफ ही है तो हमें यहाँ से भेज दो, या तो अगर सर दिन ब दिन यहाँ हालत खराब हो सकती है, अच्छा अच्छे की उम्मीद हम बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे सर, कुछ नहीं ठीक हो सकता, हमें यहाँ से निकाल दो वो बेटर है सर। जहाँ आप रुके हुए हैं उससे कितनी दूरी पे बॉम्ब वगैरह जो कीव में गिरे हैं वो कितनी दूरी पे है वो जगह? सर 1 किलोमीटर के आजू बाजू में सर ब्लास्ट हो रहे हैं, और हम रेगुलर आवाज सुन रहे हैं सर, दिन में भी और रात में भी। रात में साइलेंस रहता है तो ज्यादा आवाज आती है और बच्चे ज्यादा पैनिक हो जाते हैं, बच्चे रोने भी लग जाते हैं कई बार। तो सर यहाँ आसपास और भी आबादी में लोग रह रहे हैं नहीं रह रहे हैं? भगदड़ मच गई तो सर आसपास की आबादी में लोग हैं? आबादी में लोग हैं लेकिन सर कोई बाहर नहीं निकल रहा। जी सर है लेकिन सर कोई बाहर नहीं आ रहा, बाहर नहीं निकलता है सर, सब अपने अपने घर में ही है सर। मतलब 2-3 दिन पहले जो देख रहे थे उससे ज्यादा सीरियस कंडीशन है, काफी लोग तो यहाँ से सर निकल गए, यहाँ के लोकल इवन निकल गए कीव से सर, सेंटर छोड़ के, तो हमें क्यों रख रहे हैं सर यहाँ पे, हमें ये नहीं समझ में आ रहा। क्या आपको जो दुकानें वगैरह हैं आसपास के इलाके में वो खुली मिल जाती हैं, या आपको एटीएम वगैरह में पैसे निकलवाने हो तो? सर बंद है, सब बंद है सर। सर टाइमिंग है सर उसकी भी, टाइमिंग है कुछ देर के लिए खुली रहती है और उसमें पूरी अवेलेबिलिटी नहीं है, और हम लोगों को नहीं पता सर किस टाइम बाहर जाए, क्योंकि कुछ देर में पता चलता है इधर ब्लास्ट हुआ, कुछ देर में पता चलता है अभी बाहर मत जाओ सेफ नहीं है। दुकानें तो खुली हैं पर सर कुछ लिमिटेड अमाउंट में ही खुली है, और सर अगर 1 किलोमीटर के दूर जाते हैं तो वो भी हमारे लिए दिक्कत है सर, किसी भी तरह की हड़कंप मचेगा तो हम लोग दौड़ नहीं पाएंगे इसलिए दूर, तो नियर बाय में 1-2 दुकानें ही है और बच्चे इतना सामान लेकर आते हैं सर, शॉर्टेज हो रहा है सामानों का। आपको जो है अगर मान लीजिए 1 किलोमीटर के दायरे में आप बाहर निकल कर जाते हैं तो आपको रशियन ट्रूप्स या कोई आपको यूक्रेन के सैनिक वगैरह मिल जाते हैं या रोकते हैं कि वापस अंदर जाइए या नहीं? जी सर
जी सर, कल मिलिट्री सर खड़ी थी, मिलिट्री थी सर, एक दो मिलिट्री को हम लोगों ने देखा, देखा हम गए थे, लेकिन रशियन ने ऐसा तो नहीं देखा। रशियन ने सर यूक्रेन मिलिट्री पिस्टल जो कि हाथ सड़क वगैरह पे अवेलेबल है, खड़े हुए हैं, तो वो क्या बोल आपको बोलते हैं कि वापस जाइए सामान वगैरह ले, अगर नहीं सर वो उन लोगों ने कुछ नहीं कहा सर, हम लोगों को कुछ बोलते भी नहीं सर, वो कुछ नहीं बोलते। नॉर्मली टैंक वगैरह लेकर आते हैं नॉर्मल गाड़ियों में होते हैं सर, ऐसे खड़े होते हैं खड़े बैठे सिक्योरिटी। आप निकलना चाहते हैं वहां से, आपके पास ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है और जी सर, खाने पीने की दिक्कत हो सकती है आगे, हालात की में क्योंकि खराब हैं और आपको वहां से बॉर्डर तक निकालने का अरेंजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, आपकी ये मेन चिंता है। जी सर, हम लोगों ने बात भी की, इवन आज सर मोरनी में गए थे 5 बच्चे एम्बेसी सर से मिलने के, एम्बेसडर सर से, उन लोगों ने पूछा सर अगर हम लोग यहाँ पे बैठे रहेंगे तो कोई सोल्यूशन नहीं है, या तो आप हम लोग को निकालिए, तो उन लोगों ने सीधा कहा कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, तो सर अगर एम्बेसी के पास रिसोर्सेज नहीं है तो हम लोग तो स्टूडेंट है सर, हमारे पास किस किस की गाड़ी या कोई बस है सर, हम लोग कैसे जाएंगे यहाँ से सर, अगर एम्बेसी नहीं कर पाएगी तो हम लोग तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे ना सर। लेकिन मैं भी आपको यही कहूंगा कि अभी आपके सर पे छत है, एकदम बिना सोचे समझे घबराहट में अपने ठिकाने को मत छोड़िएगा, और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई एफर्ट्स नहीं हो रहे हैं वहां के लोगों को निकालने के लिए, एक बार एवैक्यूएशन का सिस्टम बनने में टाइम लगता है और वो सिस्टम जब चालू हो जाएगा तो अब सब भारतीयों को निकाल लिया जाएगा। ऑलरेडी ऑलरेडी इस बात को लेके काफी दबाव है भारत सरकार पर सर, हम लोग इतना ही चाहते हैं कि सर हमें टाइम पे अगर एवैक्यूएशन हो जाएगा तो सेफ रहेंगे सर, अगर अभी कैपिटल में है सर, जब से ज्यादा टेंशन एरिया तो वो कीव है, कार्किव बर्बाद हो ऑलरेडी सर, हम लोग वीडियोस देख रहे हैं जगह जगह से, हमारे दोस्त भी पढ़ रहे हैं, वो लोग बता रहे कुछ नहीं बता सर, अगर यहाँ पे अगर उस मास अटैक में अगर कुछ भी होता है तो सर बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, अभी एटलीस्ट कुछ हम लोगों को होप है, अगर हम अभी निकल जाते हैं ना तो सर बच्चे निकल जाएंगे इधर से, अगर थोड़े से भी लेट हो जाए ना सर बहुत बड़ा क्राइसिस होगा सर इधर। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सर हर चीज से, आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और मैं सर हर बंदे से इंडिया में जितने बैठे सर सबसे प्रे करता हूँ कि हम लोगों को निकालो सर यहाँ से, हम लोग नहीं है सर सेफ, हम लोग सेफ फील नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल नौशाद, हम आपके डर से सहमत हैं, आप हिम्मत बना के रखिएगा थोड़ी, हम सब आपके साथ हैं, एवैक्यूएशन के लिए अरेंजमेंट्स ऑलरेडी करने की पूरी तैयारी हो रही है यहाँ पे, और एक बार ये एवैक्यूएशन शुरू हो गया तो फिर उसके बाद आपकी चिंता खत्म हो जाएगी, सिर्फ थोड़ा सा संयम रखिए, हम समझते हैं आप ऐसे इलाके में हैं जहां पर एक पल का भरोसा नहीं है, लेकिन आपके सर पे जो छत है उसे छोड़िएगा मत सर, हम लोग नहीं जाएंगे कहीं, लेकिन हमें कोई तो सर 1% के लिए भी तो होप दे, अगर आप एम्बेसी से आते हैं बंदे और सर बोलते हैं कि आपको अपने आप से जाना पड़ेगा तो सर क्या और क्या रह जाता फिर वहां, नहीं तो, आपके आपके तो यही लगता है ना कि आपके लिए भारत सरकार काम करेगी, आप थोड़ा थोड़ा सा समय, इतना समय आपने निकाला इतने मुश्किल वक्त में, थोड़ा सा समय और दे दीजिए, तमाम अरेंजमेंट्स चल रहे हैं, वो अरेंजमेंट हो जाएंगे जरूर सर, हम लोग भी यही कह रहे हैं सर, हम लोग अभी हैं यहाँ पे, हम लोग कहीं नहीं जा रहे, लेकिन कोशिश जितनी जल्दी हो सकती सर की करना चाहिए सर, हम लोग यही बोल रहे हैं, हम भी करेंगे, रिक्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट से, हम लोग सेफ, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि एटलीस्ट एम्बेसी ने हमारे लिए इतना तो किया, हम लोग यहाँ पे रह तो रहे हैं एटलीस्ट, अगर हम लोग कहीं चैनल में होते हैं, कहीं बाहर होते तो हमें ना कहीं सोने की थोड़ा बहुत तो सुविधा बेटर है यहाँ पे सर। चलिए इस वक्त में आप यही मान के चलिए कि जितना आपको सुविधा मिल रही है शायद इतने मुश्किल वक्त में यही सुविधा बहुत है, और हम आपको भरोसा दिलाते हैं भारत सरकार आपके एवैक्यूएशन का इंतजाम करेगी, आप थोड़ा सा संयम और रखिए जितना किया है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हालात खराब हैं लेकिन संयम वर्तना होएगा, बच्चों दी गल्लां तुसीं सुनिया, हर कोई यूक्रेन चो निकलना चाहता है। मुगदी गल च अज इन्ना ही, लेकिन जदों तक ये वॉर जोन चो सारे बच्चे बाहर नहीं आ जाते, असी यानी ABP सांझा बच्चों की दुख तकलीफ ते उन्हां दे सकुशल होण दी तमाम खबरां उन्हां दे पेरेंट्स तक पहुँचाता रहेगा, ताकि ये उम्मीद बनी रहे कि उन्हां दे लाडले जिहड़े पढ़ाई करन गए हैं वो सही सलामत हैं, और भारत सरकार नूं ये लगातार अपील करते रहांगे कि इस मुश्किल घड़ी च इन्हां बच्चों नूं भारत वापस लियाण दे इंतजाम जल्दी तो जल्द किए जाण। ट्विटर हैंडल ते मैनू इस पूरे इंटरव्यू की फीडबैक जरूर देना।